हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ इस एरर के बारे में, जिससे कि कभी क्या होता है, हमारे जो सिस्टम्स हैं कभी कभी क्या होता है, हमारी DLC जब एसोसिएट करने जाते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता है, ओनली ऐसा ब्लैंक ब्लैंक सा आता है, ये ब्लैंक ब्लैंक सा, ठीक है, कुछ भी शो नहीं होता काफ़ी जगह, कितनी बार भी ट्राई कर लो। तो इसको आज मैं रिजोल्व करने वाला हूँ। तो इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, ये किस लिए नहीं होता है? ये इसलिए होता है कि हमारा जो एम्ब्रिज है और क्या कहते हैं एम साइनर है, ये ओल्ड वर्जन के डाउनलोड है। तो इसलिए हमें सिस्टम पे पहले क्या करना है, लेटेस्ट डाउनलोड करना है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो आप जाएंगे हम न्यू टैब पर, न्यू टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेटेस्ट एम्ब्रिज, लेटेस्ट एम्ब्रिज डाउनलोड, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन एम्ब्रिज डाउनलोड। तो इसमें आएंगे, इस वाले सेकंड वाले लिंक पर जाना है, सेकंड वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, ये आया था अपना, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे अपना एम्ब्रिज, फर्स्ट डाउनलोड हो गया। तो अब हम जाएंगे अपने डाउनलोड वाले पोर्शन पे, इसको ये डाउनलोड से कट करके हम ले आएंगे जहाँ पे हमारे सारे आप डाटा अपना सेव रखते हैं अपने सारे सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एम्ब्रिज। तो अब इसको यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट अ सॉफ्ट डेस्कटॉप इधर क्लिक करेंगे और यहाँ इसके बाद नेक्स्ट पर करेंगे, फिर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली क्लोज द एप्लीकेशन इस पर सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अभी ये क्या है ना, पुराना वाला जो है वो अनइंस्टॉल हो रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। जो पुराना एम्ब्रिज हमारा उसको अनइंस्टॉल कर रहा है, अब लेटेस्ट इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। अभी हमारा लेटेस्ट वाला इंस्टॉल हो रहा है, फिर इसके बाद फिनिश, फिर विंडो पर जाएंगे, ये आ गया हमारा एम्ब्रिज, ठीक है। इसको एक बार हम रन एज अ एडमायर पर क्लिक कर देंगे, ठीक, यस। ये हमारा रन एडमायर पर क्लिक हो गया, ये आ गया, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके हाइड कर देंगे, ओके। फर्स्ट आपको ये करना है, जो आपने फर्स्ट आपको आपने ये करना है, ये हो गया आपका। अब सेकंड क्या करना है, सेकंड आपको उसी पोर्शन पर आ जाना है अपने SCDC वाले पोर्शन पे, MC सर्विसेज में आके, FO में आके, एसोसिएट में आके, इसी पोर्शन पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्टली आपने एम्ब्रिज तो कर लिया डाउनलोड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है, तो इसलिए हम गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आता है यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है दिल्ली, तो मैंने गूगल से कर लिया, आप भी ऐसे ही करिएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं आता है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आता है डाउनलोड इंस्टॉल DHCP वेब सॉकेट इंस्टॉलर, क्लिक हेयर, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे, इसको हम डाउनलोड में जाके ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा एम साइनर, इसको क्लिक कट करके यहाँ पे आपके सारे सॉफ्टवेयर हैं आपको वहीं लाके इसको सेटअप कर देना है, फिर शो मोर फाइल एंड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसको, यस। इससे आपको पुराना वाला होगा वो ऑटोमेटिक ये इस नया वाला सेटअप हो जाएगा, ठीक है। जाएंगे आपका ये आया था एम साइनर, क्लिक करने का यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिपेयर नेक्स्ट, ठीक, ओके कर देंगे क्लिक। यानी आपका एम साइनर और एम्ब्रिज दोनों ही अपडेट वर्जन का हो रहा है, ठीक है। एम्ब्रिज तो आपका अपडेट हो गया है, अब एम साइनर को अपडेट कर देंगे। जी देखिए, ये हो गया हमारा एम साइनर भी इंस्टॉल, तो इसको फिनिश पर क्लिक करके लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे दोनों ही जो मेन होता है इसका पोर्टल, वो दोनों ही हमारा अपडेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने उस पर, और यहाँ पर वो टैब 1900 हो रहा था उसको क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लेंगे यहाँ से MCA, ठीक है। फिर जाएंगे MCA सर्विसेज, FO सर्विसेज में एसोसिएट DHCP। अभी ये सारा चीज़ हमारा सेटअप हो गया है, अब एसोसिएट DHCP पे क्लिक करेंगे। आपने देखा होगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा था, अभी यहाँ पे शो करने लग गया सेलेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। सेलेक्ट का ऑप्शन आएंगे, अभी पास ये सेलेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। ये ऑप्शन अब हमारा ओपन हो गया, अभी तक नहीं ओपन हो रहा था। अब यहाँ पर आप DHCP सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको एसोसिएट करना है, ठीक है, पासवर्ड, ठीक। पासवर्ड पुट करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, ये घूमेगा, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन योर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड योर DHCP इन दिस पैन।
तो नॉर्मली तरीका है, इसी तरीके से आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपको इसी तरीके से आपका एमब्रिज और एमसाइनर लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है, एंड पुराना ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपका DHCP सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।